हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राहुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है नमो टेक्नीशियन फिटर मास्टर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कपलिंग के बारे में। दोस्तों, ये पावर ट्रांसमिशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज इस वीडियो में हम लोग कपलिंग के बारे में, यानी कपलिंग क्या होता है, कपलिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, कपलिंग का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है और कपलिंग के कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कपलिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है और कहाँ किया जाता है। तो यहाँ पर आप सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, कनेक्ट टू शाफ्ट टुगेदर इन ऑर्डर टू ट्रांसफर रोटरी मोशन फ्रॉम वन टू अनदर। तो जब हमें किसी एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में पावर को ट्रांसमिट करना होगा तब हम लोग कपलिंग का प्रयोग करेंगे। क्लियर। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर, जब हमें एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में पावर को ट्रांसमिट करना होता है तब तो हम लोग गियर का भी प्रयोग करते हैं, सही बात है। बेल ड्राइव का भी हम लोग प्रयोग करते हैं, वो भी सही बात है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा शाफ्ट होता है इसमें शाफ्ट के एंड को, यहाँ पर आप देखेंगे ये शाफ्ट का एंड है, तो शाफ्ट के एंड को जोड़ा जाता है। तो जब हमें शाफ्ट के एंड को कनेक्ट करना होता है, जोड़ना होता है, शाफ्ट का लंबाई को बढ़ाना होता है तब हम लोग कपलिंग का प्रयोग करते हैं। क्लियर, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोवाइड स्लिप फ्री ड्राइव। तो इसमें क्या होता है, इसमें पावर का लॉस नहीं होता है, इसमें पॉजिटिव, इसको हम लोग पॉजिटिव ड्राइव कह सकते हैं। तो कपलिंग से जो हमारा पावर का ट्रांसमिशन होता है इसमें पावर का लॉस नहीं होता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कॉम्पेंसेट फॉर स्लाइड मिस अलाइनमेंट बिटवीन द टू शाफ्ट एंड प्रोवाइड फॉर एक्सियल मूवमेंट अलोंग देयर एक्सिस। तो कभी कभी क्या होता है, जो हमारा दो शाफ्ट होता है, शाफ्ट का जो एक्सिस होता है वो कभी कभी एक ही लाइन में नहीं होता है, एक ही एक्सिस में नहीं होता है। तो इस तरह का जो मिसअलाइनमेंट होता है तो इसको कम किया जा सकता है, हमारा हम लोग कपलिंग का प्रयोग करके इसको कम कर सकते हैं। या अगर थोड़ा बहुत मिसअलाइनमेंट रहता है तो हम लोग पावर को फिर भी ट्रांसमिट कर सकते हैं कपलिंग का प्रयोग करके। तो इसके अकॉर्डिंग भी जो हमारा कपलिंग होता है, कपलिंग को क्लासिफाई किया गया है। कपलिंग को दो प्रकार से मेनली क्लासिफाई किया गया, एक हमारा होता है रिजिड कपलिंग और दूसरा होता है फ्लेक्सिबल कपलिंग। फ्लेक्सिबल कपलिंग में क्या होता है, अगर दो शाफ्ट एक ही एक्सिस में नहीं होता है, यानी प्रॉपर अलाइन नहीं होता, तो वहाँ पर हम लोग फ्लेक्सिबल कपलिंग का प्रयोग करते हैं। और अगर हमारा दो शाफ्ट प्रॉपर अलाइन होता है तो वहाँ पर हम लोग रिजिड कपलिंग का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हम लोग जो मेन टाइप्स हैं जो हमारे निमी के बुक में है उसको जानेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट हम लोग टाइप्स ऑफ कपलिंग के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सेफ्टी और स्लिप टाइप कपलिंग के बारे में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। इसमें आप देखेंगे दो फिगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक हमारा डिसइंगेज फॉर्म में है और दूसरा हमारा इंगेज फॉर्म में है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एक शाफ्ट है और इधर एक शाफ्ट हमारा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा क्या है, स्प्रिंग है, ये हमारा दोनों जो है। तो जो स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग के कारण ही हमारा ये पहला जो दूसरे जो के साथ कनेक्ट होकर रहता है, असेंबल होकर रहता है, और इसके बीच में फ्रिक्शन के कारण हमारा एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में पावर का ट्रांसमिशन होता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये सेफ्टी कपलिंग इज सेल्फ डिसइंगेजिंग व्हेन द टॉर्क इज हायर देन फ्रिक्शन जनरेटेड बाय द स्प्रिंग एंड जो। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि पावर का ट्रांसमिशन कैसे होता है। पावर का ट्रांसमिशन होता है फ्रिक्शन के कारण, दो जो के बीच जो फ्रिक्शन होगा उसके कारण हमारा पावर का ट्रांसमिशन होगा। लेकिन क्या होता है, अगर मान लीजिए दोनों के बीच जितना फ्रिक्शन होगा उससे ज़्यादा हमारा टॉर्क प्राप्त होगा, उससे ज़्यादा स्पीड में अगर हमारा शाफ्ट रोटेट करेगा तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक डिसइंगेज हो जाता है। यानी जो हमारा ड्राइवर शाफ्ट होता है, ड्रिवन शाफ्ट होता है, ये अपने आप अलग अलग हो जाता है। तो इसके बारे में उतना डिटेल्स में नहीं जानना है। एक्चुअल में इसमें क्या होता है, कुछ स्टील बॉल्स होता है, जो हमारा स्प्रिंग होता है इसमें लोड के अकॉर्डिंग इसको सेट किया जाता है, और जैसे ही ओवरलोड हो जाता है तो ये डिसइंगेज हो जाता है। तो हमें उतना डिटेल्स में जानना नहीं है, हमें बस इतना जानना है
कि जो हमारा सेफ्टी और स्लिप टाइप कपलिंग होता है ये ओवरलोडिंग के कारण डिसंगेज हो जाता है। एक्चुअल में जो हमारा कपलिंग होता है ये शिफ्टेबल नहीं होता है, लेकिन जो हमारा स्लिप टाइप कपलिंग होता है ये शिफ्टेबल होता है, यानी ये डिसंगेज हो जाता है ओवरलोडिंग के कारण। क्लियर? तो मेन डिफरेंस कपलिंग और क्लच में क्या होता है, जो हमारा कपलिंग होता है ये शिफ्टेबल नहीं होता है ड्यूरिंग वर्क, काम के दौरान ये इसको हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, जो हमारा क्लच होता है वो हमारा शिफ्टेबल होता है ड्यूरिंग वर्क। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्लेट कपलिंग के बारे में। तो प्लेट कपलिंग में क्या होता है, व्हेन शाफ्ट एंड्स कैन बी ब्रॉट इनटू परफेक्ट अलाइनमेंट सच शाफ्ट कैन बी कपल्ड टुगेदर बाय मींस ऑफ ए प्लेट कपलिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, प्लेट कपलिंग यानी ये रिजिड कपलिंग का टाइप्स होता है। इसमें जो हमारा दो शाफ्ट होता है वो प्रॉपर अलाइन होता है, यानी दोनों का एक्सिस एक ही लाइन में होता है, तभी हम लोग प्लेट कपलिंग का प्रयोग करते हैं। द शाफ्ट कैन नॉट बी शिफ्टेड इन द एक्सियल डायरेक्शन। तो जब शाफ्ट का दोनों शाफ्ट का एक्सिस एक ही लाइन में होगा, प्रॉपर अलाइन होगा, तो एक्सियल डायरेक्शन में वो मूव ही नहीं कर सकता है। क्लियर? और जो हमारा शाफ्ट होता है शाफ्ट को की का प्रयोग करके हम लोग सिक्योर करते हैं। तो चलिए फिगर के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। ये हम लोग एंगेज कर लेते हैं, उसके बाद का फिगर है, ये हमारा डिसंगेज का फिगर है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये हमारा शाफ्ट है और ये दोनों हमारा कपलिंग है, जैसे हम लोगों ने पहले फिगर में बात किया था, ये सेम वही फिगर है। तो दो यहाँ पर आप हब में देखेंगे कीवे बना हुआ है और जो शाफ्ट है शाफ्ट में भी कीवे बना हुआ है। तो जब हम लोग शाफ्ट को हब में फिट करेंगे तो की का प्रयोग करेंगे और नट एंड बोल्ट का प्रयोग करके हम लोग इसको फिट कर देंगे, जिससे हमारा पावर का ट्रांसमिशन आसानी से हो जाएगा। क्लियर? तो इसको हम लोग एक्सियल मूवमेंट नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा क्लेम कपलिंग। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा तब यूज किया जाता है जब दोनों शाफ्ट प्रॉपर अलाइन होता है, यानी दोनों शाफ्ट का एक्सिस एक ही लाइन में होता है। तो इसका यूज कहां पे किया जाता है, इसका यूज टेक्सटाइल मिल्स में किया जाता है, इसका यूज टेक्सटाइल मिल्स में किया जाता है। तो इसका हम लोग फिगर देख लेते हैं। इस तरह का इसका फिगर होता है, यहाँ पर आप देखेंगे दो बॉडी है और यहाँ पर बोल्ट एंड नट का प्रयोग करके हम लोग इसको क्लैंप करते हैं, शाफ्ट को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा शाफ्ट है, ये हमारा दो शाफ्ट है, ये एक शाफ्ट है, शाफ्ट ए शाफ्ट बी, और दोनों शाफ्ट में की बना होता है। तो शाफ्ट में की अगर बना होगा तो क्या होता है, अगर हमें ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करना होता तो हम लोग की का प्रयोग कर सकते हैं, अदरवाइज अगर हमें नहीं करना होगा तो हम लोग नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें पावर का ट्रांसमिशन टोटली जो है आपका बोल्ट और नट के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर? तो ये हमारा शाफ्ट होता है, शाफ्ट के डायमीटर के अकॉर्डिंग जो हमारा क्लेम बेस है, इसको क्लेम बेस कहते हैं, तो इसको उस तरह से बनाया जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे इसमें कीवे बना हुआ है, तो कीवे में की को फिट किया जाता है और नट एंड बोल्ट का यूज करके इसको कस लिया जाता है, जिससे काफ़ी अच्छा हम लोग इसको कनेक्ट कर पाते हैं दोनों शाफ्ट को। क्लियर? तो ये क्या है, ये भी रिजिड कपलिंग होता है उसी का टाइप से, इसको भी हम लोग एक्सियल मूवमेंट नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यूनिवर्सल कपलिंग क्या होता है, देखिए यूनिवर्सल कपलिंग से पहले हम लोग फ्लेक्सिबल कपलिंग को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो हमारा फ्लेक्सिबल कपलिंग होता है उसमें क्या होता है, दो शाफ्ट का एक्सिस का जो एंगल होता है, दोनों शाफ्ट जब मिसअलाइनमेंट होता है तब फ्लेक्सिबल कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो एंगल कितना होता है, दोनों एक्सिस के बीच मिसअलाइनमेंट का एंगल कितना होता है, तो काफ़ी कम होता है, मिसअलाइनमेंट एंगल काफ़ी कम होता है। तो अगर हम लोग यूनिवर्सल कपलिंग के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग उसके कंपेरिजन में ये ज़्यादा एंगल को कैरी कर सकता है, इसमें यानी ज़्यादा एंगल भी रहेगा, अगर दो शाफ्ट के बीच ज़्यादा एंगल रहेगा, मिसअलाइन एंगल रहेगा, तो उसको भी ये परमिट कर लेगा, यानी उसमें भी ये पावर को ट्रांसमिट कर सकता है। तो यहाँ पर आप फिगर देख सकते हैं,
ये हमारा यूनिवर्सल कपलिंग का फिगर है। तो यहाँ पर हम लोग एक शाफ्ट को फिट करते हैं और यहाँ पर हम लोग एक शाफ्ट को फिट करते हैं, और ये दोनों को, ये क्या है, ये योक, इसको हम लोग योक कहते हैं, ठीक है। और बीच में जो है ये क्रॉस कहलाता है। तो यूनिवर्सल ज्वाइंट अलाउ पॉजिटिव ट्रांसमिशन ऑफ पावर एट लार्जर एंगल्स देन द परमिसिबल विथ फ्लेक्सिबल कपलिंग। तो ये क्या करता है, ये ज़्यादा एंगल अगर रहेगा शाफ्ट के बीच में तो हम लोग यूनिवर्सल कपलिंग का प्रयोग करते हैं। यूनिवर्सल कपलिंग में 20 से 30 डिग्री अगर एंगल रहेगा तो उस केस में भी हम लोग पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग फ्लेक्सिबल कपलिंग के बारे में बात करें तो उसमें काफ़ी कम एंगल होता है। क्लियर। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, इसका यूज किया जाता है व्हीकल प्रोपेलर शाफ्ट। आप लोगों ने ट्रक देखा होगा, ट्रक के नीचे आप लोग देखेंगे प्रोपेलर शाफ्ट होता है, तो प्रोपेलर शाफ्ट में यूनिवर्सल कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। तो दोस्तों यह है हमारा कपलिंग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लच के बारे में जानेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।